आज मैं आपको बताऊंगा तार सप्तक के वो कवि जिन्हें हरे पेपर में पूछा जाता है। यह तार सप्तक पहले के कवि हैं। इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा कि इसको आसानी से कैसे याद किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं तार सप्तक के बारे में। तार सप्तक जो है 1943 का समय से शुरू हुआ था और अगे जी को इसके प्रवर्तक माना जाता है। तार सप्तक 7 कवियों का एक समूह है। टोटल जो हिंदी साहित्य में वह 4 तार सप्तक हुए हैं। यह पहला तार सप्तक है जो 1943 में शुरू हुआ था, जिसमें 7 कवि सम्मिलित थे, जिसमें अगे, गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमिना चंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और भारत भूषण अग्रवाल। इन सभी कवियों को एक साथ याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। चलिए वो ट्रिक देखते हैं क्या है। ट्रिक बनाई है मैंने, आज मुक्ति ने प्रभा गिरा दी। आज मुक्ति ने प्रभा गिरा दी। आप भी ट्रिक को लिख लीजिए और 5 बार बोलिए, आज मुक्ति ने प्रभा गिरा दी। तो देखते हैं ट्रिक से कैसे बनता है, कैसे कभी हम याद कर सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो मेरा। आज, आज से बनेगा अगे, मुक्ति से बनेगा मुक्तिबोध, ने से बनेगा नेमिना चंद्र जैन, प्र से बनेगा प्रभाकर माचवे और भा से बनेगा भारत भूषण अग्रवाल, गी से बनेगा गिरजा कुमार माथुर, आर से बनेगा रामविलास शर्मा। दी ये याद रखने के लिए है। चलिए विश्लेषण कर सकते हैं ये हम ट्रिक का। ये मैंने अलग लिख दी है तो देख लीजिए ध्यान से, आज मुक्ति ने प्रभा गिरा दी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें बार बार। तो देखिए ये ट्रिक है, आज मुक्ति ने प्रभा गिरा दी। आज से अगे मुक्ति ने गजानंद माधव मुक्तिबोध बन जाएगा, ने से बन जाएगा नेमिना चंद्र जैन, प्र से बन जाएगा प्रभाकर माचवे, भा से बन जाएगा भरत भूषण अग्रवाल और गी से बन जाएगा गिरजा कुमार माथुर और रा से रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप तार सप्तक पहले के सभी कवियों के बारे में जान गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए जिसमें आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम आती है, मैं उसका ट्रिक आसानी से बना के दूंगा। अगले वीडियो में मैं तार सप्तक दूसरे के ट्रिक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ब्रेक के बाद।